नमस्कार दोस्तों, सफलता के मूल मंत्र यानी सक्सेस टिप्स। कुछ ऐसे सक्सेस टिप्स जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। बहुत कुछ सोचने को, समझने को आपको बाध्य कर सकते हैं और उन सक्सेस टिप्स से आप अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयां दे सकते हैं। आइए वो छोटी छोटी टिप्स जानते हैं। क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं, यदि कुछ बुरा चल रहा है तो चिंता नहीं करें, क्योंकि वो भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। कौन? बुरा वक्त। एक बार मैं बस में सफर कर रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद में, या यूं कह सकते हैं 20-30 किलोमीटर चलने के बाद में, बस का टायर पंचर हो जाता है। रोडवेज बस थी। कंडक्टर ड्राइवर ने कहा, जंगल में खड़े हैं, बस को टायर ठीक होने में काफी टाइम लगेगा, आप लोग जो भी साधन मिलता है उससे अगले शहर तक पहुंच जाइए। हम लोगों ने उस बस से थोड़ी दूरी बना ली और दूसरी बस का या किसी अन्य साधन का इंतजार करने लगे। मगर काफी देर तक कोई बस नहीं आई। थोड़ी देर बाद में एक बस आती हुई दिखी जो रोडवेज की बस थी। मैंने उस बस को हाथ दिया। उस बस ने मेरे तुरंत हाथ देते ही धीमा कर दिया। मैं समझ गया ये सवारियां लेना चाहता है। मैं बस के सामने चला और जो ही बस के नजदीक पहुंचता हूं, उसने बस को तेज करना शुरू कर दिया। मैं जैसे तैसे हैंडल पकड़ के पायदान को पकड़ लिया था। कंडक्टर गेट में खड़ा था। मैंने एक हाथ से कंडक्टर को पकड़ा, एक हाथ से पायदान को पकड़ा, मगर कंडक्टर इतना बेवकूफ था कि उसने मुझे चलती बस में धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गया। पैर में मोच आ गई। 50 सवारियां और खड़ी थी, किसी ने मेरे को नहीं उठाया। ध्यान से सुनिए, बीती हुई बात बता रहा हूं, मेरे स्वयं के साथ जो बीती है। एक लोहारी माँ, जिस दो लोहार का काम करते हैं, आयरन मैन जिनको बोला जाता है, वो उस समय मेरी उम्र की होगी 70 साल के लगभग। और ये बात मैं बता रहा हूं, उस समय मैं कोई 30 से 35 साल का मुश्किल से होगा। उसने मुझे सड़क पर से अपने कंधे का सहारा देके उठाया, खेजड़ी के एक पेड़ के नीचे लाके सुलाया। मैंने कहा, मैया पानी पीने की इच्छा है, मुझे बेहोशी की हालत हो रही थी। उन्होंने दूर से कहीं से पानी लाया, पानी की व्यवस्था की। मैंने उनको बताया, हो सकता है मैं बेहोश हो सकता हूँ, मेरी जेब में पैसे हैं, आप कोई गाड़ी करके मुझे फला शहर में पहुँचा देना, फला डॉक्टर मेरा दोस्त है, वहाँ तक आप पहुँचा देंगे तो आगे सारी समस्याएँ वो डॉक्टर स्वयं देख लेगा। उस बुढ़िया माँ ने तुरंत गाड़ी की, मुझे गाड़ी में बैठाया। तब तक मुझे होश आ चुका था। वहां जाके डॉक्टर के पास में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, पैर फ्रैक्चर हो गया आपका, घुटने में से जहां जूता पहना जाता है वहां जो जॉइंट होता है उसमें क्रेक हो गया, फ्रैक्चर हो गया। मैंने कहा, फ्रैक्चर तो नहीं होना चाहिए। उसने कहा, क्यों नहीं होना चाहिए, जब आप इतनी ऊंचाई से गिरे हैं, कंडक्टर ने आपको धक्का दिया है। तो मैंने एक आध्यात्मिक बात कही थी उनको। मैंने कहा, मेरी माँ हमेशा लोगों का भला करती है, पक्षियों को दाना डालती है, पानी डालती है, गाय कौवे और कुत्ते को रोटी देती है, उसके बेटे का पैर फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। बोले, एक्सरे करवाते हैं अभी पता चल जाता है।
और आधे घंटे बाद में जब एक्सरे हुआ तो पता चला कि पैर फ्रैक्चर नहीं है, मामूली क्रैक है। डॉक्टर ने राय दी 15-20 दिन का पट्टा बंधेगा, मगर लंबा बंधेगा क्योंकि चोट आगे भी आई है कई। कुल मिलाकर बात यह है कि मैं बेड पे हो गया, 15 दिन तक मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा। एक मेरे मित्र जिनको व्यास जी कहता था, मैं मेरे से उम्र में काफी बड़े थे, यानी मेरी और उनकी उम्र में 20 साल का डिफरेंस था। वो मेरे से मिलने आए, मैं उनको देखकर जैसे अभी भावुक हुआ वैसे भावुक हो गया। उन्होंने कहा, अरे शर्मा रोया कैसे? मैंने कहा, व्यास जी मैं 300 किलोमीटर चलने के बाद में बस में बैठता था तो जहां से बैठता था वहां से 300 किलोमीटर आगे जाकर पेशाब करने उतरता था। वो आदमी आज एक कदम बेड पर से नीचे नहीं उतर सकता। बड़े दुर्भाग्य के दिन आ गए। ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या कहा मेरे को। उसने कहा, शर्मा जी बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। कितने अच्छे दिन थे आपके वो, जब आप 300 किलोमीटर पर डे बस में घूमा करते थे। जब वो अच्छे दिन चले गए तो ये बुरे दिनों की क्या औकात है, ये भी चले जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब भी बुरे दिन आते हो आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और जितने आप में ताकत है उससे थोड़ा ज्यादा कुछ एनर्जेटिक करने की कोशिश कीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्कार।